सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हमारे पास में है वीवो V25 Pro और इसके मैं आपको अमेजिंग फीचर्स बताने वाला हूँ एंड हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ। तो गाइस, आज का जो वीडियो है पार्ट टू होने वाला है इसका। आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में उस वीडियो को भी देख लेना, पार्ट वन वाली। तो आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और मेरा नाम एहसान है और आप देख रहे हैं टेक टू एहसान चैनल। सो गाइस, अब मैं आपको एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीचर्स बताने वाला हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ से, आपको इनेबल अल्टरनेटिव फोन वाला, या फिर आप देखेंगे आपके जो गूगल डायलर होता है उसमें क्या होता है ना, आप मतलब किसी की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली तो वो सामने वाले को पता चल जाता है कि भाई गूगल डायलर बोल देता है कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, कॉल रिकॉर्डिंग चल रही है। तो आप यहां से इसे इनेबल कर लेना, इनेबल अल्टरनेटिव गूगल डायलर फ़ोन करके। तो गाइस, यहाँ पर कॉन्टैक्ट वगैरह ऐसे सिंपली आपको इनेबल करना पड़ेगा। बाकी अब आप देखेंगे आपका जो गूगल डायलर है वो डिसेबल हो जाएगा और आपका पर्सनल खुद का एक फ़ोन या फिर डायलर कह सकते हैं आप, वो इनेबल हो जाता है। इसके बाद में आप ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी सामने वाले को भी पता नहीं चलेगा। तो गाइस, इसके बाद में अब अगले फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से यहाँ पर आपको एक साउंड वाला एक ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आप साउंड में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। टच वाले जो मोटर है, इसमें वाइब्रेटर वाली मोटर है, आप उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से आप टच करेंगे तो क्लिक होगा या नहीं होगा, मतलब कि वाइब्रेट होगा नहीं होगा, यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ईयर कस्टमाइजेशन साउंड इफेक्ट। आप कितने ओल्ड हैं, मतलब कि 30 ईयर ओल्ड हैं या फिर 30 to 60 ईयर ओल्ड हैं, तो अपने हिसाब से आप यहाँ से यूज अपनी साउंड को सेट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपको डायनेमिक इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस यार, इसमें आपको भर भर के ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं ना, जो कि काफ़ी कमाल के हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन ऑन और ऑफ जो एनिमेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं बंद करके बता देता हूँ, आप चालू करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी जो स्क्रीन है एनिमेशन देखने को मिलते हैं। अभी कैमरे में कैद नहीं हो रहा है, बट आप ऐसे इनेबल करेंगे तब जाके अच्छा ये आपको लगने वाला है, खुद से जाके आप यूज करेंगे जब। इसी के ऊपर में USB वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि USB में कंप्यूटर वगैरह में आप अपने फ़ोन को लगाएंगे तो आपको एनिमेशन किस टाइप का मिलना चाहिए आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब बैक आएंगे, आप बैक आने के बाद में यहाँ पर देखेंगे आप चार्जिंग एनिमेशन, आपको चार्जिंग एनिमेशन किस टाइप का लगाना है। जैसे कि यार कभी कभी हमारा फ़ोन बोरिंग लगने लगता है तो आप यहाँ से कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं, एनिमेशन बदल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे फेस रिकॉग्नाइज वाले जो ऑप्शन है, मतलब कि आपका जो फेस है किस टाइप से आप जो फेस रिकॉग्नाइज करेगा तो ये किस टाइप से एनिमेशन आना चाहिए, आप उसे यहाँ से सेट कर सकते हैं। बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब ऐसे ही आपको फिंगरप्रिंट वाला भी देखने को मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट एनिमेशन आपको किस टाइप का चाहिए, आपको इसमें भी अलग अलग तरह के एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं, आप कोई भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब ऐसे ही इसमें फिंगरप्रिंट आइकन का ऑप्शन है, जैसे टाइप का आपको फिंगरप्रिंट का जो आइकन है वो दिखना चाहिए, तो आप यहाँ से आइकन वगैरह भी चूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी पसंद आता है उसे अप्लाई कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर आप देखेंगे अच्छे अच्छे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे होम स्क्रीन में जो आइकन वगैरह होते हैं उसमें भी आप जो आइकन वगैरह के एनिमेशन है उन्हें भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखो ये छोटा सा एनिमेशन आता है, बट आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको डेली यूजेस में ये सब पता चलने वाले हैं जो एनिमेशन के स्टाइल वगैरह होते हैं, तो आप इसे भी इनेबल कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर में आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, होम स्क्रीन एनिमेशन वाला ट्रांजेक्शन एनिमेशन, जो कि काफ़ी कमाल का है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि यार डायनेमिक वाले जो फीचर्स हैं इनमें आपको कमाल कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं, आप यहाँ से यूज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे एंबिएंट लाइट, मतलब कि गाइस आपकी जो कॉलिंग वगैरह आती है इसमें आपका ये जो अलग से लाइट जलती है साइड में, आप देखेंगे जो एज लाइटिंग जैसे कि आपको देखने को मिलती है वैसे आपको देखने को मिलेगा। आप खुद से जैसे किसी कॉल आती है तो साइड में जो एजेस हैं हमारे फ़ोन में वो एजेस यहाँ पर जलने वाले हैं अलग अलग एनिमेशन के साथ में। आप बैक आ जाइएगा, आप बैक आने के बाद में आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर वाला, तो यहाँ पर भी आपको भर भर के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सिंपल मोड, तो सिंपल मोड वो उनके काम का है जो कि ज़्यादा अपने फ़ोन को यूज़ नहीं करते, डिफ़िकल्ट लगता है, तो मतलब ये ट्राई कर सकते हैं आप, यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा आपका फ़ोन है इजी हो जाता है और आप इजी यूज़ कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर आप इसे एग्जिट वगैरह करना चाहते हैं तो एग्जिट भी कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो गाइस इस तरह से बहुत सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। तो आप फिर से आपको सेटिंग में आना है और आप लॉक स्क्रीन में आइएगा और आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा होम सेटिंग वाला, तो यहाँ पर आप देखेंगे होम स्टाइल में देखने को मिल जाता है एक ऑप्शन,
जिसमें आप होम स्टाइल के जो ड्राइवर वगैरह हैं डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि आप नीचे से करते हैं ना, मीनू ओपन हो जाती है, तो होम स्क्रीन में आइएगा, यहाँ से आप ड्राइवर ओपन ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद में आप इस तरह से आप देखेंगे, आप स्वाइप डाउन करेंगे, मतलब कि आप करेंगे तो यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब इसमें आपको एक विजेट वाला ऑप्शन भी देखने को मिलता है, 2.0 वाला, तो आप यहाँ पर विजेट लगा सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं वॉलपेपर के हिसाब से। अब गाइस यहाँ पर आप देखेंगे होम स्क्रीन में ही इतने सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। यार मैं और ना ज़्यादा फीचर्स कवर करूँगा जो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट गाइस आपको मैं जल्दी जल्दी बताने की पूरी कोशिश करूँगा जितने भी फीचर्स बन सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक राउंड कॉर्नर आइकन वाला भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब कि जितने भी आप आइकन वगैरह हैं उनके साइज़ को ऐसे डब्बे में रखने चाहते हैं या गोल या फिर स्मॉल लार्ज, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसमें। और गाइस इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ से अगले फीचर्स की बात करें तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे आ जाइएगा आप, और यहाँ पर आप देखेंगे आई मोड का एक आई प्रोटेक्शन करके आपका जो एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आप इसे इनेबल कर लेंगे तो आपका जो फ़ोन का कलर है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब इसमें आप जो डार्क मोड का भी ऑप्शन है आप इसे इनेबल कर लेंगे तो आपका जो फ़ोन है पूरा ब्लैक हो जाएगा, और इसमें आपको एक डिस्प्ले भी अच्छा खासा आपको सुपर एमोलेड देखने को मिल जाता है, तो आपकी बैटरी स्पेस डेफिनेट बचेगी। आप डार्क मोड का यूज जरूर से करिएगा, जितने ब्लैक कलर होते हैं इसमें सारे के सारे बंद हो जाते हैं, तो डार्क मोड को आप इनेबल कर लेना, आपकी बैटरी इससे डेफिनेटली डिक्रीज होने वाली है। ब्लैक हो जाता है तो जितने भी ब्लैक कलर के पिक्सल हो जाते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो आपकी बैटरी इससे काफ़ी कम यूज होती है। अब गाइस इसके नीचे आपको स्क्रीन कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप किस तरह की वाइब्रेट या फिर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जो स्क्रीन के कलर होते हैं, आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं कितना आपको वाइब्रेंट चाहिए करके। अब इसके नीचे आपको एक फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फॉन्ट्स भी आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर स्टेटस बार का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब कि आप यहाँ पर नंबर चाहते हैं ऊपर स्टेटस बार में या फिर आइकन वगैरह चाहते हैं तो आप यहाँ से आइकन या फिर नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर अभी आप आइकन या फिर नंबर यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप बैक आइएगा, बैक आने के बाद में आपको स्क्रीन रेफ्रेश रेट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 120 हर्ट्ज से रेफ्रेश रेट मिलता है, बट गाइस इसमें आपको स्मार्ट स्विच मतलब कि ऑटोमेटिकली स्विच होता रहेगा ये, और जैसे आप 120 हर्ट्ज में क्लिक कर देंगे और आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में इसे इनेबल डिसेबल करना 120 हर्ट्ज को, तो आप उसे भी कर सकते हैं यहाँ से बड़े आसानी से। अब इसके बाद में बैक आ जाइएगा, बैक आने के बाद में आपको अच्छे कमाल के आपको फीचर्स बताने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं विजुअल एनहेंसमेंट, मतलब कि आप यूट्यूब वगैरह में वीडियो वगैरह देख रहे हैं नेटफ्लिक्स में तो अलग से आपको एक विजुअल एनहेंसमेंट देखने को मिल जाती है वीडियो क्वालिटी वगैरह में, तो ये वीवो ने अच्छा मतलब कि अपने डिस्प्ले का यूज किया है, और आप यहाँ से देख सकते हैं आफ्टर बिफोर आप यूट्यूब वगैरह में वीडियो वगैरह देखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, आपकी जो वीडियो क्वालिटी एनहेंस हो जाती है। और यहीं से आपको स्टेटस बार में एक मिनी विंडो वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब कि आप अपने फ़ोन को थोड़ा छोटा कर सकते हैं एक हाथ से यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे आपका जो फ़ोन है थोड़ा छोटा हो जाता है। अब छोटा होने के बाद में आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा आप जहाँ भी करेंगे लेफ्ट राइट या सेंटर आप उसके हिसाब से सेट भी कर सकते हैं, मतलब कि आपका एक हाथ से चलाना है अपने फ़ोन को तो आप बड़े आसानी से मिनी विंडो के इस्तेमाल करके चला सकते हैं। और गाइस स्टेटस बार में आने के बाद में यहाँ पर ऑनर वाले एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब कि गाइस यहाँ पर आप अलग अलग गेस्ट मोड भी चालू कर सकते हैं, फिर या यूज़र आपके डबल डबल हैं, मतलब आपको किसी को फ़ोन देना है एड गेस्ट और आप किसी को भी दे सकते हैं, आपका जो पूरा फ़ोन है वो सारा का सारा नया हो जाएगा और फिर इसके बाद में आप किसी को भी फ़ोन अपना दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके जो व्हाट्सअप हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन है वो सारे के सारे नए रहेंगे और आपको किसी का भी जो पर्सनल आपके डाटा वगैरह है ना वो भी सिक्योर रहने वाला है, तो ये वाला फीचर्स भी काफ़ी कमाल का है। और अभी आप देखेंगे जो रिंग लाइट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसे कैसे लगा सकते हैं रिंग लाइट को, तो गाइस यहाँ पर आपको रिंग लाइट के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है और रिंग रिंग करके एक एप्लीकेशन आता है, इसे आप डाउनलोड कर लेना जैसे कि मैंने डाउनलोड करके रखा है, या फिर आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं लेफ्ट राइट या फिर इसमें आपको चैनल देखने को मिल जाते हैं, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और गाइस यहाँ पर आप देखेंगे इसमें अमेजिंग फीचर्स ये है कि आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में इसे लगा के रखेंगे ना
तो ये काफी कमाल का देखने में लगता है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। तो गाइस कुछ इस तरह से आपको ऑलवेज इन डिस्प्ले एंड जो हमारे कॉर्नर के एज लाइटिंग है और जो रिंग लाइट है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल फीचर्स कौन सा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।